हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं 5 सितंबर 2018 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रैपिड ट्राइडेंट, यूक्रेन ने शुरू किया नाटो देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो यूक्रेन जो एक देश है जिसका रशिया के साथ थोड़ा शीत युद्ध जैसा चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन से कोई देश कुछ हिस्सा रशिया ने अपने अधिग्रहण में कर लिया था, तब से इनके बीच शीत युद्ध जैसा माहौल है। इनका तनावपूर्ण संबंध है और यूक्रेन यूएस के साथ मिलकर, यूके के साथ मिलकर, जॉर्जिया के साथ मिलकर, जर्मनी के साथ मिलकर रैपिड ट्राइडेंट लॉन्च किया है। ये एक युद्ध अभ्यास है और इसी तरह इसी की जवाब में मंगोलिया, रूस और चीन, इन्होंने भी वोस्तोक 2018 नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन किया है या करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रैपिड ट्राइडेंट। तो ये रैपिड ट्राइडेंट 2 से 15 सितंबर, जो अभी शुरू हो चुका है, 2 से 15 सितंबर तक चलेगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यूके, अमेरिका, जॉर्जिया, जर्मनी और इसी तरह से 14 देश इसमें शामिल हैं रैपिड ट्राइडेंट में। ये यूक्रेन ने शुरू किया है नाटो देशों के साथ मिलकर। IOWAV-18, भारत हिंद महासागर में बहुपक्षीय सुनामी अभ्यास। तो भारत 23 अन्य देशों के साथ हिंद महासागर में बहुपक्षीय सुनामी मॉक अभ्यास IOWAV-18 में हिस्सा लेगा। सुनामी मॉक अभ्यास, तो ये एक तरह का जांच अभ्यास है जो भारत 23 अन्य देशों के साथ हिंद महासागर में कर रहा है। इस अभ्यास का आयोजन यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागर आयोग, जिसको शॉर्ट में IOC बोलते हैं, के द्वारा किया जा रहा है। यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागर आयोग के द्वारा यह अभ्यास सुनामी मॉक अभ्यास IOWAV-18 किया जा रहा है। लगभग आधा दर्जन राज्यों से हजारों लोगों को तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित निकाला जाएगा। भारत और साइप्रस ने 2 MOU पर किए हस्ताक्षर। तो भारत और साइप्रस, साइप्रस भी एक देश है, ये उसका तिरंगा या फ्लैग बोलते हैं और ये इंडिया का फ्लैग है। भारत और साइप्रस ने धन शोधन और पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके समकक्ष साइप्रस के राष्ट्रपति निकोनस अनास्तासियादेस ने वार्ता किया है और हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंध बनाए रखने के लिए 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। साइप्रस के बाद वे बुल्गारिया और चेक गणराज्य जाएंगे। तो हमको क्या है, भारत और साइप्रस ने हस्ताक्षर किया है धन शोधन और पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए। रामनाथ कोविंद और निकोस अनास्तासियादेस ने हस्ताक्षर किए हैं MOU पर। नीदरलैंड में किया गया 4th आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन। कहाँ किया गया? नीदरलैंड में 4th आयुर्वेद कांग्रेस, 4th अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस 2018 का आयोजन नीदरलैंड के लाइडेन में किया गया। इसका उद्घाटन 1 दिसंबर को भारत के राज्य आयुष मंत्री श्रीपद नायक द्वारा किया गया। श्रीपद नायक द्वारा किया गया, जो भारत के राज्य आयुष मंत्री हैं। इस 2 दिवसीय कांग्रेस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महर्षि आयुर्वेद फाउंडेशन नीदरलैंड, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस नई दिल्ली तथा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी पुणे द्वारा किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के श्रीपद नायक द्वारा किया गया नीदरलैंड में 4th आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन, ये याद रखना जरूरी है। जापानी तैराक रिकाको इकी बनी एशियाई खेलों की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। रिकाको इकी ये हैं जापान की। एशियाई ओलंपिक परिषद ने 18 वर्षीय जापानी तैराक रिकाको इकी को एशियाई खेल 2018, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में संपन्न हुआ, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। वे सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी पुरस्कार को 1998 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेलों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1998 से हुई है।
अफ्रीका को इक्की को एक ट्रॉफी व $50,000 लगभग 35 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। तो कहाँ की है जापान की, नाम क्या है रिकाको इक्की, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी आप 18th एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया जकार्ता पालेमबांग। 2017-18 में मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2017-18 में मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा। इस सूची में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर। वित्त वर्ष 2018 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश $37.36 अरब है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यहाँ $36.31 अरब था। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2017-18 में मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा, मॉरिशस 2017-18 में। वित्त वर्ष 2018 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश $37.36 अरब है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह $36.31 था। तो ये याद रखना है, 37 अभी अप्रैल से जो शुरू हो गया है 2018 का वित्त वर्ष, और 2017-18 जो था उसमें 36.31 था और अभी फिलहाल 37.36 है, और मॉरिशस का हिस्सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्रोत रहा मॉरिशस। नीति आयोग ने स्वच्छ परिवहन का बढ़ावा देने के लिए मूव साइक्लात आयोजन किया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग ने स्वच्छ परिवहन का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली मूव साइक्लाथन को हरी झंडी दिखाई। इसका आयोजन ग्लोबल मोबिलिटी समिट से ठीक पहले किया गया। ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन 7-8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन 7-8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में किया जाएगा। इसको याद रखना जरूरी है, IMP है ये, 7-8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में किया जाएगा ग्लोबल मोबिलिटी समिट। मूव साइक्लाथन को हरी झंडी दिखाई थी और इसका आयोजन ग्लोबल मोबिलिटी समिट के लिए किया गया था। 7-8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में किया जाएगा। कृष्ण कुटीर वृंदावन में 1000 विधवाओं के लिए निर्मित किए गए आवास, इसको नाम दिया गया कृष्ण कुटीर, मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, कौन है, मेनका गांधी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री। उत्तर प्रदेश में मथुरा में वृंदावन में कृष्ण कुटीर, ये नाम याद रखना है, कृष्ण कुटीर का निर्माण कराया गया है 1000 विधवाओं के लिए आवास का बंदोबस्त करने के लिए। यह किसी सरकारी संगठन द्वारा निर्मित इस प्रकार का सबसे बड़ा भवन है। इसका निर्माण वृंदावन में दयनीय स्थिति में रह रही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया है। दयनीय स्थिति में रह रही महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए। काठमांडू घोषणा के साथ 4th बिम्सटेक सम्मेलन का हुआ समापन। तो काठमांडू में हुआ, नंबर कौन सा था, 4th बिम्सटेक काठमांडू में हुआ। काठमांडू डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद बिम्सटेक के 4th सम्मेलन, ये 4th सम्मेलन था जो काठमांडू में हुआ, जो नेपाल की राजधानी है, का समापन हुआ। बिम्सटेक के सभी 7 देश, ये नाम याद रखना जरूरी है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश बिम्सटेक के सदस्य हैं। इसका आयोजन काठमांडू में हुआ, ये 4th सम्मेलन था। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अगले बिम्सटेक सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति मैथीपाला सिरिसेना को सौंपी। तो अगला बिम्सटेक सम्मेलन होगा श्रीलंका में, अभी हुआ था काठमांडू में। थैंक यू वेरी मच।